तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका भाई के चैनल स्टाम्प विद परसर में। तो इस वीडियो में एक अच्छा जो कल हमारा इंडियन प्रीमियर लीग का रिटेंशन था उसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे। आप सबको जो टीम मैनेजमेंट था, जो टीम का रिटेंशन लिस्ट है, इसके ऊपर एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम बना रहे हैं, तो आप जरूर से इस वीडियो को देखेंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा या आप पहले जान पाए ये जो बात, तो मुझे लगता है जो क्रिकेट फैंस है वो तो आप लोग लाइव देख ही लिए होंगे, तो और भी अगर कुछ जानकारी चाहिए तो इसके ऊपर थोड़ा सा बात भी हम करेंगे। वो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और थोड़ा सा सपोर्ट देना, क्योंकि ये नया चैनल है। आप लोग अगर नहीं सपोर्ट देंगे तो मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा, तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। तो ये वीडियो को मैं शुरू कर रहा हूँ। तो देखिए, अब तक जो 7 टीम है, ये जो 7 8 टीम है, ये 8 टीम ने 27 खिलाड़ी को रिटेन किए हैं, तो इसके ऊपर चर्चा में हम आएंगे जरूर। तो पहले बात करते हैं सीएसके के ऊपर जो रिटेन किया है। तो पहले ही महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड और मोइन अली, ये 4 खिलाड़ियों को इन्होंने रिटेन किया है। केकेआर को सुनील नारिन, केकेआर ने सुनील नारिन, एंड्रे रसेल, वरुण चक्रवर्ती और वेंकटेश आयर। अच्छा, जो उनका रिटेंशन प्लान, ठीक बढ़िया रिटेंशन प्लान है। जो जो प्लेयर अच्छा किया हुआ है, जिसको एकदम छोड़ा नहीं जा सकता उनको ही इन्होंने रखा है। तो हम अगर बात करें मुंबई की, तो मुंबई की रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, कायरन पोलर, सूर्य कुमार यादव, ये 4 प्लेयर को इन्होंने रखी है। इस सीरीज में केन विलियमसन, अब्दुल समद, उमरान मलिक, तो हम अगर देखें वार्नर को इन्होंने छोड़ दिए है। आरसीबी में विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और मोहम्मद सिराज। देखिए, चहल का नाम यहाँ पे नहीं है, चहल को छोड़ दिया गया है। हर्षल पटेल जो इतना बढ़िया दिखे, तो मुझे लगता है हर्षल पटेल के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा बाजी जरूर खेलेगी और जो टीम है, क्योंकि हर्षल पटेल एक अच्छा बॉलर है और उनका जो विकेट लेने का क्षमता बहुत ज्यादा है, तो ये एक देखने का बात होगी। इसके ऊपर थोड़ा बाद ही चर्चा जरूर से करेंगे, आप बने रहना। इसके बाद हम अगर बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, दिल्ली कैपिटल्स ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ, अक्षर पटेल और एनरिक नोकिया, इनको जो रिटेन कर लिए है। और हम अगर देखें श्रेयस अय्यर, रविचंद्रन अश्विन, हम अगर बात करें अजिंक्य रहाणे, स्टीव स्मिथ, इन सबको छोड़ दिया। आरआर ने संजू सैमसंग, जॉस बटलर और यशस्वी जसवाल, तीनों बैट्समैन को रिटेन किया है। और जो बेन स्टोक्स थे, जोफ्रा आर्चर थे, सबको छोड़ दिए। पीबीकेएस जो पंजाब किंग्स के नाम से आ गया, वो जो टीम है पंजाब किंग्स ने मयंक अग्रवाल और अर्शदीप सिंह, सिर्फ इन दोनों को रिटेन की है, एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर और एक बैट्समैन ओपनर। के एल राहुल को इन्होंने छोड़ दिया, क्यों छोड़ा मैं ये नहीं जानता, एक अच्छा प्लेयर है के एल राहुल, जो पंजाब को बढ़िया तरीके से लीड किए थे इन्होंने। तो हम अगर बात करें कुछ जो प्लेयर, देखिए इस सारी को हम अगर देखें तो वार्नर को ऐसा ही छोड़ दिया। देखिए, वार्नर एक बढ़िया प्लेयर है, हम अगर देखें तो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किए थे। हम अगर देखें जो T20 वर्ल्ड कप में बढ़िया प्रदर्शन किए थे, मुझे लगता है ये नाइंसाफी है इनके लिए, क्योंकि बहुत दिन से ये थे, दो आपको ट्रॉफी भी जिताई वार्नर ने, तो ऐसे आपको उनको छोड़ना ठीक नहीं, मेरे तरफ से ठीक नहीं लगा। इसके बाद हम बात करते हैं जो सीएसके का, ठीक है क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स है, उन्होंने और भी नया प्लेयर्स को भी इंक्लूड करना है, जो जो मेन प्लेयर्स है उन्होंने उनको रखी है। केकेआर ने भी अच्छा फैसला लिया है इस सर, इसमें देखिए ठीक है, लेकिन मैं जो बोला एक्स फैक्टर वो काम ना कर जाए। राशिद खान है, उनको उन्होंने रिटेन नहीं किया, ये भी एक कम। देखिए, इन दोनों प्लेयर जो बल्ले पे रन बनाते थे, बॉलिंग में बढ़िया विकेट लेते थे, ये दोनों ही थे। गेंदबाज तो अच्छा है ही, अगर हम एमआई की बात करें इनमें बहुत सारे प्लेयर है, उनका जरूरत नहीं है। देखिए, और किसी को उन्होंने कर सकते, देखिए हार्दिक पांड्या को नहीं रिटेन किया, कुणाल पांड्या को नहीं रिटेन किया, ये भी एक देखने का विषय है। लेकिन हर सबको रिटेन करेगा तो एक लिस्ट है, 4 प्लेयर के ज्यादा नहीं रिटेन कर सकते, तो उसके ऊपर भी एक प्रभाव जरूर से पड़ सकता है, इसलिए ठीक है इसका भी फैसला ठीक है। पर मुझे लगता था आरसीबी जो फैसला लिया है, विराट कोहली तो अवश्य ही रहेंगे वहां पे, ग्लेन मैक्सवेल को ठीक किया क्योंकि एबी डिविलियर्स छोड़ दिए थे, और मोहम्मद सिराज ठीक है, पर मुझे लगता था अक्षर पटेल और हर्षल पटेल, हर्षल पटेल और चहल, इन दोनों में से कोई एक को
रखना चाहिए था, क्योंकि देखिए मुझे तो लगता है चहल को रखना बहुत ही जरूरत है। इतना अच्छा लेग स्पिनर है, अच्छा तरीके से बोलिंग भी करते हैं, लेकिन क्यों उनको नहीं रखा गया ये, इसके ऊपर एक संदेह जरूर से है, क्योंकि रिटेन उनको करना चाहिए। एक अभिज्ञ बोलर है, आरसीबी में बहुत दिन से आरसीबी के साथ जुड़े हुए है, तो ये एक देखने का जरूर से विषय होगी। डीसी में देखिए मुझे लगता है श्रेयस अय्यर को रख सकते थे, देखिए उनका उतना हार्ड हिटिंग नहीं है जो आप कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने बढ़िया बढ़िया इनिंग्स खेल के दिए हैं, तो डीसी का भी ठीक है, कोई बात नहीं। उनका जो प्लेयर रिटेंशन है ठीक ही है, शिखर धवन को उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन शिखर धवन बहुत रन बनाए डीसी के लिए। देखिए हर सबको अगर आप रखना चाहते हो तो खेल वैसा बनता नहीं। उसके बाद हम बात करें आरआर, ठीक ही गया, पर मुझे लग रहा था बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर को अगर उन्होंने नहीं छोड़ते तो ही अच्छा होता, तो ठीक है कोई बात नहीं। जय मुझे तो लगता था कि जैसी जैसल दो तो इंडियन रखना ही पड़ेगा, और एक विदेशी आप जॉस बटलर के साथ फास्ट बॉलर या बेन स्टोक्स को जरूर से रख सकते थे। और बीबीकेएस ने एक बड़ा मुझे लगता है जो गलती की है, केएल राहुल को छोड़ना ठीक नहीं था, मुझे लगता था केएल राहुल को रिटेन करना उनको चाहिए था, लेकिन देखिए उन सब का फैसला है। मयंक अग्रवाल और अर्शदीप सिंह को उन्होंने रखा, क्योंकि मयंक अग्रवाल अच्छा बैट्समैन है और अर्शदीप सिंह भी बढ़िया तरीके से बॉलिंग करते हैं। तो ये जो था जो प्लेयर लिस्ट था मैं आपको बता दिया, तो बढ़िया जो खेल अब देखने को मिलेगा जो नेक्स्ट ईयर, और भी दो टीम आएंगे अहमदाबाद और एक जो पुणे से है या से आएंगे, तो अभी भी पूरा नाम सामने नहीं आया है, इसके ऊपर भी थोड़ा चर्चा होगा। जो टीम आएगी उसके ऊपर भी बात, बहुत सारे खर्चा भी होगा, बहुत बड़ा ऑक्शन भी आएगा, तो ऑक्शन में कौन कौन टीम कौन कौन प्लेयर को ले रहे हैं इसके ऊपर भी जरूर से चर्चा करेंगे। देखिए आरसीबी का कैप्टन कौन होगा इसके ऊपर भी मुझे तो लगता है आरसीबी केएल राहुल और वहां पे वार्नर इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा झोंक सकती है, क्योंकि इन दोनों में कैप्टनसी करने की एक एबिलिटी बढ़िया है। और एक बात जो आरसीबी के तरफ से मुझे लगी, डेप्थ पडिकल को उनको रिटेन करना चाहिए था अगर बल्लेबाजी की हिसाब से बात करें, क्योंकि देवदूत पडिकल बहुत सारे रन बनाए हैं, ओपनिंग करके अच्छा बल्लेबाजी की है और अच्छा बल्लेबाज है भी, ये अच्छा बल्लेबाज है, क्वालिटी बल्लेबाज है, तो मुझे लगता था कि उनको रिटेन करना एक अच्छा था। उन्होंने अगर उनको रिटेन कर सकते थे, देखिए चार प्लेयर को आप रिटेन कर सकते थे तो उनको भी, देखिए उनके जगह मुझे लगता है चहल को कराना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो एक शतरंज का खिलाड़ी है, बढ़िया बॉलर है, तो देखना पड़ेगा क्या होता है इसके बाद। और भी जो लेटेस्ट न्यूज आएंगे मैं आपको जरूर से देने की कोशिश करूंगा। यही है जो न्यूज है, तो यहाँ पे खत्म करते हैं वीडियो को। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और थोड़ा सा अपने छोटे भाई को सपोर्ट देना।